ये आप देख रहे हैं, ये भातखंडे लिपि मतलब भातखंडे नोटेशन सिस्टम, और ये दिगंबर लिपि सिस्टम। तो पहले स्वर चिन्ह है, मतलब स्वरों में कौन कौन सा चिन्ह लगता है। तो शुद्ध स्वर रे ग म कोई चिन्ह नहीं लगता, लेकिन दिगंबर लिपि चिन्हों में इन्हीं शुद्ध स्वरों पर भी कोई चिन्ह नहीं लगता, दोनों सेम। दूसरा कोमल स्वर रे ग, नीचे बेड़ी रेखा, नीचे देख रहे हैं एक बेड़ी रेखा खींच दी गई है, बड़ी लकीर अंडरलाइन कह सकते हैं, वह चीज दिखाने के लिए इन स्वरों में दिगंबर लिपि चिन्हों में हलंत का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से तीव्र स्वर, तो तीव्र स्वर में इसमें क्या किया जाता है, खड़ी रेखा एक खींची जाती है, ऊपर खड़ी रेखा, सिर्फ म होता है, और इसमें म को पदेन र लगा दिया जाता है, चाहे उल्टा हलंत कहिए म्र लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब ये तीव्र म का चिन्ह है। आइए अब सप्तक जानते हैं। आप पता है पहले से कि तीन सप्तक होते हैं, मंद्र मंद्र मध्य तार। तो सबसे पहले सप्तकों में मंद्र सप्तक में नीचे एक बिंदी लग जाती है, नी ध। अब इसमें ऊपर बिंदी लग जाती है, मंद्र सप्तक के स्वरों में आप देख रहे हैं। उसी तरह से मध्य सप्तक में कोई चिन्ह नहीं, इधर भी कोई चिन्ह नहीं। भातखंडे लिपि पद्धति में तार सप्तक में ऊपर एक बिंदी होती है, जैसे एक बिंदी दो बिंदी ऊपर बिंदु, लेकिन इधर क्या करते हैं, उसके लिए खड़ी रेखा खींच देते हैं। जैसे इसका तीव्र का चिन्ह लगता है, वैसे ही इधर तार सप्तक के स्वरों पर खड़ी रेखा खींच देते हैं। उसके बाद एक मात्रा के लिए एक एक स्वर लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक मात्रा के लिए नीचे बेड़ी रेखा लगा देते हैं, मतलब एक मात्रे के बराबर है। उसके बाद आधी डेढ़ मात्रा, डेढ़ मात्रा के लिए सा और डैश करके आधा मात्रा इधर दिखा दिए डैश से, और आधे मात्रे में रे, तो डेढ़ मात्रा हो गया। लेकिन इसमें क्या करेंगे, डेढ़ मात्रा दिखाने के लिए सा को पूरा करेंगे और ये पूरा दिखाएंगे कि हाँ आधा मात्रा एक मात्रा है ये, और ऊपर स्टार लगा देंगे पूरा एक मात्रा है और ये आधी मात्रा। ये गोली का जो ये सर्कल बना है छोटा सा जीरो, इसके नीचे जो लिखा है इसका मतलब ये आधी मात्रा, तो एक मात्रा ये और आधी मात्रा ये डेढ़ मात्रा। अब देखिए दो मात्रे के लिए क्या करते हैं, एक स्वर इधर बढ़ गए, ये स्वर एक बढ़ गए, मतलब एक मात्रा ये एक मात्रा ये दो मात्रा, एक मात्रा ये एक मात्रा ये दो मात्रा। इन चिन्हों को दिखाने के लिए इसके नीचे एक अवग्रह, जो बेड़ा अवग्रह है वो लिख देते हैं, जैसे ये दो मात्रा हो गया, ये भी दो मात्रा हो गया, मतलब रे रे ग ग दो मात्रे के बराबर इसकी वैल्यू हो गई दिगंबर लिपि चिन्ह के अनुसार। दसवां है आधी मात्रा के लिए, मतलब अर्धचंद्राकार में ये स्वर लिख देंगे तो एक स्वर आधा हो गया, दोनों मिला के एक स्वर हो गए, ये ग म आधा आधा स्वर है, दोनों मिला के एक स्वर हो गए। अब यही चीज इधर अगर दिखाना है तो आधा मात्रा आधा मात्रा आधा मात्रा आधा मात्रा, जैसा कि यहां मैंने समझाया कि रे के नीचे जीरो, तो इस सा के नीचे जीरो है, तो आधा सा हो गया, आधा मात्रा हो गया। इसी तरह से चौथाई मात्रा के लिए एक बटा चार मात्रा, एक ही में चार मात्रा लिख देंगे तो सभी एक चौथाई चौथाई मात्रा हुए। इनको दिखाने के लिए इधर क्या करते हैं, उनको अर्धचंद्राकार में लिख देते हैं। 12 नंबर सम, सम के लिए इसमें गुणा का चिन्ह करते हैं, सम का मतलब पहली ताली, लेकिन इसमें गुणा का चिन्ह नहीं करते हैं, इसमें एक लिख देते हैं, इससे पता चल जाता है कि ये सम है, पहला मात्रा है। उसके बाद खाली के लिए इसमें जीरो लगाते हैं, लेकिन इसमें खाली के लिए प्लस का चिन्ह लगता है। ताली की संख्या के लिए, इसमें ताली के लिए दो तीन चार, जितने नंबर की ताली होगी, पहली ताली होगी तो सम, दूसरी ताली होगी तो दो लिखा रहेगा, तीसरी ताली तो तीन, लेकिन और इसमें मात्रा संख्या ही लिख देते हैं, जितना नंबर का मात्रा है उतना ही। जैसे पांचवी मात्रा पर ताली है तो पांच लिख देंगे, ग्यारहवीं मात्रा पर ताली है तो 11 लिख देंगे, ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद मीड़ के लिए धनुष का आकार इस पर भी बनता है, इस पर भी बन जाता है। कर्ण स्वर, ये स्वर ऊपर बाईं ओर लिखे जाते हैं, इधर भी कर्ण स्वर ऊपर बाईं ओर लिखे जाते हैं।
खटका कोष्ठक में लिखा जाता है, खटका इधर भी कोष्ठक में लिखा जाता है। और गाने में स्वर का उच्चारण करते समय आकार जब बढ़ाते हैं तो श्या आ आम, तो आ आम बढ़ाने के लिए वैसे ही यहाँ क्या करते हैं, गोली भरी हुई गोली जो बिल्कुल ब्लैक होती है एक लगा देते हैं, एक मात्रा दो लगाएंगे दो मात्रा, जैसे यहाँ सात के आगे एक मात्रा पूरा दे दिए हुए हैं। इस तरह से यह भाग खंडी लिपि जो उत्तरी भारत के संगीत में प्रसिद्ध है, और यह है दक्षिणी भारत का संगीत जो कर्नाटका संगीत है, इसी भाषा में इसी स्वरलिपि पद्धति में लिखी होती है। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।